अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अमेरिका फेडरेशन इसलिए है कि इसके इसके जो राज्य हैं एक समझौता करके एक देश का निर्माण किए हैं, अतः समझौता टूटा तो ये राज्य टूट जाएंगे। कई बार अमेरिका टूटा भी है। अभी जो 50 राज्य है ना, तो आप देखेंगे उन 50 राज्यों का संविधान अलग है, उन 50 राज्यों का झंडा अलग है, उन 50 राज्यों की नागरिकताएँ अलग है। तो ये देखिए हम यहाँ पे 50 राज्यों का झंडा लगा दिए, जैसे यहाँ पे अलास्का का है, एरिजोना का है, यहाँ पे कई राज्य है, इसके टेक्सास है, जॉर्जिया है, तो सब राज्यों का झंडा अलग है, करेंसी एक ही रहेगी, फ्लैग वगैरह अलग रहते हैं। तो ये फेडरेशन है। अगर कल को चाहता है फ्लोरिडा, जैसे ये फ्लोरिडा यहाँ राज्य है, इसका झंडा इस टाइप का है, चाहेगा कि अमेरिका से अलग हो जाए, तो समझौता तोड़ के अलग हो सकता है फेडरेशन। लेकिन ये फेडरेशन पढ़े लिखे लोगों में सफल होता है, अनपढ़ लोगों में ये फेडरेशन सफल नहीं हो पाएगा। तो भारत ने देखा कि अगर हम फेडरेशन बनाएंगे, भारत को संविधान वालों ने देखा, तो यहाँ 75 भाषाएँ बोली जाती हैं, अलग अलग रहन सहन है। उत्तर भारत में लुंगी का प्रचलन नहीं है, दक्षिण भारत में लुंगी एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन लोग का होता है, कपड़े में गिना जाता है, जबकि उत्तर भारत राजस्थान में देखेंगे तो पगड़ी है, पंजाब का अलग है। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हमने फेडरेशन बना दिया तो आगे चल के ये अलग हो जाएंगे, इसलिए भारत ने फेडरेशन न चुनकर भारत ने यूनियन बनाया। यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं, फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत राज्यों का क्या है, तो ऑप्शन डी पे लिखा जाता है संघ, उसे मत मारिएगा। ऑप्शन बी पर लिखा जाता है यूनियन, तो उसे मारिएगा, क्योंकि संघ की तो दो दो इंग्लिशें होती हैं, फेडरेशन भी होता है, यूनियन भी होता है। लेकिन भारत में एक एक्सेप्शन था, अब नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत में था लेकिन उसका संविधान था, उसका अलग एक झंडा था, उसकी अलग एक नागरिकता थी जो 370 के तहत थी, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें समझा देंगे आपको कैसे हटाया गया था। ये जम्मू कश्मीर का झंडा था, अब जम्मू कश्मीर का झंडा खत्म हो गया, अब पूरे भारत में हो गया। तो अब भारत पूर्णतः यूनियन हो चुका है, यहाँ के कोई राज्य अलग नहीं हो सकते, ये अलग हो सकते हैं। और ये शुरू में तो और कमजोर था, यहाँ का नियम कानून तो वो कन्फेडरल था, कन्फेडरल फेडरल से ही कमजोर होता है। आप एक ऐसे एग्जांपल में समझिए, हम एक दीवाल बना रहे हैं, नॉर्मली ईंटा साज दिए, यहाँ कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किए, तो सबसे कमजोर दीवाल होगी, जब मन तब कोई ईंटा खींच सकते हैं, यानी एक इसको देश समझिए तो ईंटे को राज्य समझिए, आराम से निकल जाएगा। तो ये कन्फेडरल है, परिसंघ है, ये सबसे कमजोर होता है, अभी ये दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसी ईंट के बीच में अगर हम सीमेंट लगा के जोड़ दें तो ऐसी दीवार बन जाएगी, तो ये हो जाता है फेडरल, यानी संघ, जो अमेरिका है। लेकिन अगर छीनी हथौड़ी से आप थोड़ा सा ठोक ठाक करिएगा तो ये आराम से टूट सकता है, अतः फेडरल में अगर समझौता टूटा तो राज्य टूट जाएंगे। लेकिन अगर इसी राज्य ये ईंट के ऊपर प्लास्टर कर देंगे इस तरह से, अब भाई साहब ईंट ईंट से जुड़ा हुआ है, बाहर एक प्लास्टर है, तो वो प्लास्टर भी हो गया, अब तो निकल ही नहीं सकता है। तो सबसे मजबूत जो होता है वो यूनियन होता है, तो भारत यूनियन है, लेकिन हिंदी दोनों का एक ही हो जाता है संघ, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो भारत के जितने राज्य हैं, जो लोग मतलब अब तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं कहता कि भारत से टूटेंगे, वो कश्मीर का था मैटर, वो तो सॉल्व हो गया। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये चीज आप समझ में आ गया। हम लोग यहां पर आते हैं यूनियन में। दूसरा, इसी आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत में जो राज्य हैं वो हमको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन कौन राज्य हैं। मान लीजिए विवाद हो गया कि बिहार भारत का राज्य है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 में वो लिखा ही नहीं है कि बिहार भारत का राज्य है, बल्कि वो एक इशारा कर दिया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची क्या होती है, एक अलग से एक टॉपिक बना दिया गया है। जैसे ये भारत का संविधान है, इतना मोटा नहीं है, ये बाइलिंगुअल है, एक और इंग्लिश लिखा है, एक और हिंदी लिखा है, इसलिए मोटा लग रहा होगा, इसका आधा है, इतना ही है संविधान, आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि हम पहली अनुच्छेद यानी आर्टिकल में नहीं बताएंगे कि कौन कौन सा राज्य है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, राज्यों के नाम जानना चाहते हैं, तो आप जाइए अनुसूची शेड्यूल में जाइए। तो संविधान के शुरुआत में ही 4 पन्ना जोड़ दिया गया है, जिसे कहते हैं शेड्यूल, और इसी शेड्यूल में हर एक राज्यों के नाम लिखे गए हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो जब भी विवाद होगा कि कौन सा राज्य भारत का है या नहीं, तो आप अनुच्छेद 1 में आएंगे तो यहां आपको एक दूसरा डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपका कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है शेड्यूल की ओर। तो राज्यों को किस अनुसूची में रखा गया है, पहली अनुसूची में। और इसमें एक और बात कहा गया है, अब दिल्ली हो जाएगा, कहेगा हम केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान कहेगा हम पूरा राज्य है, अब राज्यों की भी कैटेगरी है, तो इसको भी अनुच्छेद 1 में रख कर दूसरे ओर डाइवर्ट किया गया। कहा गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं इस संविधान के तहत, उन्हें 3 प्रकार से बांटा जाएगा। जो बड़े राज्य हैं, जिनका अपना खुद का क्षेत्रफल बड़ा है, उन्हें हम स्टेट कहेंगे, वर्तमान में 28 हैं।
जो छोटे छोटे राज्य हैं लेकिन राष्ट्रीय महत्व के हैं तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित कहेंगे, या दूसरा टाइप का हो गया, अभी 8 केंद्र शासित हैं, आगे समझा देंगे। और तीसरा टाइप हो जाएगा अर्जित क्षेत्र। वर्तमान में भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। जैसे मान लिया कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, भारत वहां पे स्वतंत्र करा के उसे कह दे कि नहीं बलूचिस्तान पे मेरा कंट्रोल रहेगा, तो वो इसमें आ जाएगा अर्जित क्षेत्र में। इसलिए देखिए संविधान वाला कितना होशियार था, एक टॉपिक बना के गया है सब क्या चीज की अर्जित क्षेत्र है, भले उसमें है या नहीं है लेकिन एक मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अर्जित क्षेत्र ला सकते हैं यहाँ पर। तो आप मोटा मोटी समझेंगे तो आप यहीं पे देखेंगे तो भारत राज्यों का यूनियन है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो यहां बताया गया है कि ये पता करने के लिए अनुसूची एक में जाइए, और साथ ही साथ उनमें कैटेगरी कौन कौन सी है तो इसमें बोला गया है 3 प्रकार की कैटेगरी होती है और भारत राज्यों का एक यूनियन है। तो अनुच्छेद संख्या 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 समझते हैं। आर्टिकल 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में, कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर अगर कोई देश है तो उसे वो भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो मिलना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति का मतलब यह नहीं होता है कि राष्ट्रपति से पूछेगा। देश में राष्ट्रपति की उतनी ही अहमियत है जितना परिवार में फूफा जी की अहमियत होती है, वो नाराज हो ना हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां तो इज्जत देने के लिए भले लिख दिया गया है कि पूर्व अनुमति, लेकिन एक्चुअली में यह होता है उन्हें बस सूचना दे दिया जाता है कि हम फला राज्य को मिलाने जा रहे हैं। सपोज नेपाल बड़ी कूद रहा है यहां पर, अब मान लीजिए, हम समझने के लिए बोल रहे हैं भाई, नेपाल के लोग आप बुरा नहीं मानेंगे, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए नेपाल को लगा कि नहीं भारत में मिल जाना चाहिए, तो संसद राष्ट्रपति को सूचना देंगे, अरे राष्ट्रपति जी पहाड़ी पे बैठा है। कौन पहाड़ी है? भिकना पहाड़ी नहीं, रायसीना की पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी पे उनको फोन कर देंगे मोदी जी, अरे राष्ट्रपति साहब जा रहे हैं नेपाल को मिलाने, तो क्या करेंगे? हाँ ना, ना कहिए नहीं सकते, ना कहेंगे तो उन पर महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाता है, अनुच्छेद 61 में, ये बाद में बताएंगे। तो राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि हम जा रहे हैं करने के लिए, और उसके बाद संसद उसे आराम से मिला देती है। और ऐसा किया भी गया है। 16 मई 1975 को सिक्किम जो था, ये सिक्किम हम लोग का था ही नहीं, ये एक दूसरा देश था, सिक्किम स्वतंत्र था, इसके ऊपर था तिब्बत। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 में, और यहाँ के लोगों को इतना कूचा, और परिवार में 4 आदमी है ना, तो एक को उधर भेज दिया, एक को इधर छितार दिया यहाँ पर, और तिब्बत में तिब्बत के लोगों की कमी हो गई, तो तिब्बत से कभी मांग ही नहीं उठती है स्वतंत्र करो हमें। तो सिक्किम देखा कि ससुरा हमरो कब्जा कर लेगा, हम तो अपने इतनी चुकी हैं, हमको मारेगा तो खत्म ही हो जाएंगे। तो भारत से कहा कि हम आप में मिल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कीजिएगा कि हमारे 4 आदमी के परिवार है तो एगो को केरला भेज दीजिए, एक को राजस्थान, 2 को अंडमान भेज दीजिए। भारत ने कहा कि देखिए भाई, हम वसुधैव कुटुंबकम के रहने वाले, यदि आप हमारे में मिलेंगे तो आपको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो भारत के अन्य जितने राज्य हैं उन्हें ये अधिकार प्राप्त हैं।